आने वाले 9 फरवरी को पार्थशर समाचार, जो कि केवल चंद्रपुर नहीं पूर्वी विदर्भ में अपनी एक अलग पहचान पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है, उसको शुभकामना देता हूँ। गत साल मैंने ही इस पार्थशर समाचार के उद्घाटन किया था। एक साल में ये केवल चंद्रपुर में न रहते हुए नागपुर में भी इसका विस्तार हुआ है। नागपुर में इस समाचार का कार्यालय भी बना हुआ है, जो हमारे चंद्रपुर वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये युग है और उसमें पल पल होने वाली खबरें पार्थशर समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। और मैं विशेष रूप से पार्थशर समाचार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने निष्पक्ष होकर जो सच्चाई है, वो सच्चाई हर विषय की चंद्रपुर की जनता और विदर्भ की जनता के सामने ला। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार देश के सभी राज्यों में आकाशवाणी रेडियो स्टेशन बंद किए जाएंगे, ऐसा घोषित आदेश पारित किया गया है। आज अकेले महाराष्ट्र में 9 से 10 हजार वक्ताओं के साथ 35 आकाशवाणी स्टेशन है। स्थानीय रेडियो कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 11 बजे तक प्रसारित किए जा रहे हैं, और इसके बीच में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 से 11 बजे तक राज्य के स्थानीय रेडियो स्टेशनों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्वानों, वक्ताओं और लेखकों की भागीदारी के साथ विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इसमें चिंतन, किसान वाणी, कामगार सभा, शब्द लोक, राष्ट्रवाणी, वनीता मंडल, हेलो सखी, बाल सभा, आरोग्यम, धन संपदा, युवा वाणी, परिसर आपला इत्यादि कार्यक्रमों से स्थानीय कलाकारों, युवा कलाकारों, बच्चों और किसानों को अपने प्रश्न पूछने का अवसर मिल रहा था। साथ ही इससे साक्षात्कार, कविताएं, कहानियां प्रसारित की जा रही थी। बच्चों की प्रतिभा को और किसानों की समस्याओं को किसान वाणी कार्यक्रम में प्रचारित किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने रेडियो स्टेशन चलाने के लिए धन की कमी का हवाला देते हुए स्थानीय रेडियो स्टेशन को बंद करने का फैसला किया है, मगर ये संवाद माध्यमों को और मीडिया को नियंत्रित करने का और आकाशवाणी जैसे काम के सर्विस को अपने खास लोगों के हाथों में निजीकरण करके सौंपने का ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र है, ऐसा आरोप आज चंद्रपुर में आयोजित एक पत्रकार परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चित्रपट, साहित्य, कला और सांस्कृतिक विभाग के पूर्व विदर्भ अध्यक्ष संजय वैद्य ने लगाया है। इस वक्त उनके साथ चंद्रपुर के जिला अध्यक्ष श्याम मोहरकर और प्रशिक्षण विभाग वक्ता शहर अध्यक्ष अक्षय कुकड़े उपस्थित थे। उन्होंने इस निर्णय को रोकने के लिए चंद्रपुर आर्णी लोकसभा क्षेत्र के सांसद बालू धानोरकर को निवेदन दिया है और संसद में इस प्रश्न को उपस्थित करने की प्रार्थना की है। सरकार का करीत असलेल्या मंत्रालयाने प्रसार भारतीने असं अघोषित निर्णय या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे की एका राज्यामध्ये एकच आकाशवाणी केंद्र चालू आहे। आत्तापर्यंत महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये 35 आकाशवाणी केंद्र आहे, आणि पूर्वीचे आकाशवाणी केंद्र फक्त कार्यक्रम टेलिकास्ट करायचे, प्रसार करायचे पुढच्या याचं मुंबई किंवा पुण्याच्या आकाशवाणी केंद्राचं करायचं, परंतु 35 आकाशवाणी केंद्रात स्वतःचे स्टुडिओ आहेत, स्वतःचे निवेदक आहेत, सर्व कार्यक्रम स्थानिक पातळीवरचे त्यांना 6 ते 11 आणि नंतर 5 ते 11 चालायचे। त्यामध्ये सगळे जिल्ह्यामधल्या त्या आकाशवाणी केंद्र परिसरामध्ये असलेल्या समस्या, शासनाच्या योजना, विविध कलावंतांच्या मुलाखती, त्याच्यानंतर किसानवाणी, लहान बालकांसाठी बालवाणी, युवावाणी असे सगळे कार्यक्रम व्हायचे। त्या माध्यमातून स्थानिक कलावंतांना प्राधान्य, स्थानिक तज्ज्ञांच्या मुलाखती, आरोग्यविषयी समस्या असेल तर आरोग्य संपदा याखाली किंवा एखादं शास्त्रीय गाणं असेल, हे सगळं स्थानिक पातळीवरचं व्हायचं आणि आता ते सर्व बंद होणार आहे। राज्यामध्ये 6 ते 7 हजार समालोचक आहेत केंद्र या सगळ्या आकाशवाणी केंद्रांवर। आता आकाशवाणीवर पूर्वीसारखे त्यांनी असं कारण दाखवलं आहे की आम्हाला खर्चाला परवडत नाही आकाशवाणी केंद्र चालवायला, इथून उत्पन्न निघत नाही अशी कारणाची सबब दाखवून ते स्थानिक पातळीवरचे सगळे स्टुडिओ म्हणजे स्थानिक आकाशवाणी केंद्राचे बंद करून केवळ मुंबई आकाशवाणी केंद्रावरून सगळे कार्यक्रम प्रसारित होतील असा निर्णय घेतला। हा निर्णय प्रत्येक ठिकाणच्या आकाशवाणी केंद्राच्या परिसरातल्या ज्या ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणच्या नागरिकांवर, कलावंतांवर, तज्ज्ञांवर,
एखादा चांगला प्रगतशील शेतकरी असेल, त्यांनी जर चांगलं पीक घेतलं असेल, त्याची मुलाखत एखाद्या शेतकऱ्यांनी चांगली केंद्र सरकारची किंवा राज्य सरकारची कृषी विभागाची चांगली योजना यशस्वीपणे राबवून जर त्यांनी जर चांगलं केलं असेल तर त्याचा प्रसार प्रचार हा पूर्ण त्या परिसरात व्हायला पाहिजे. त्या परिसरात असलेल्या स्थानिक पिकांच्या पद्धती त्याचे नवीन पद्धतीने कसे घ्यायचे किंवा त्याच्यावर काही रोग बी झाला तर स्थानिक पातळीवर त्या आकाशवाणी केंद्राच्या माध्यमातून ती माहिती जात होती. हे सगळं बंद होईल. एखादा चांगला कलावंत असेल आणि त्याची मुलाखत किंवा त्याचं हे द्यायचं ह्या सगळ्या गोष्टीला खीळ बसणार आहे. केवळ कारण हे दाखवलं की आम्हाला खर्चाला परवडत नाही, पण आमचं असं आम्हाला अशी शंका आहे की याच्यामागे कुठे आकाशवाणीचं सुद्धा खाजगीकरण करायच्या मागे तर केंद्र सरकारचा दाव नाही. अशा पद्धतीने हा याला आमचा विरोध आहे आणि यासाठी आम्ही चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार आदरणीय बाळूभाऊ धानोरकर यांना निवेदन दिलं आणि लोकसभेमध्ये तुम्ही हा आवाज उठवा असं आम्ही राष्ट्रवादीचे चित्रपट कला साहित्य संस्कृती विभागाच्या वतीने मी माझ्यासोबत आमचे जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर श्याम मोहरकर वक्ता प्रशिक्षण विभागाचे अक्षय कुकडे हा आम्ही आता पूर्ण राज्यभरातले आमचे जेवढे जिल्हाध्यक्ष त्यांच्यामार्फत त्या त्या राज्यातल्या परिसरातल्या खासदारांना ही समस्या देऊ की या एक राज्य एक आकाशवाणी केंद्र या धोरणाला विरोध करा आणि जसे आकाशवाणी केंद्र चालू